आज हम बनाने जा रहे हैं यमहा का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं RX-V485। ये पीस जो है डेड है, और मैंने जहां तक देखा है इसके जो बोर्ड की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप देख सकते हो। और सेकंड चीज है, ये सेक्शन पूरी तरीके से जला हुआ है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसको क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद फिर देखते हैं जो अपना जला हुआ हिस्सा है। मैंने जो है इसको क्लीन कर दिया है, अभी हम इसको फिट करेंगे और फिर इस सेक्शन पर रिसर्च करेंगे। ये जो अपना जला हुआ हिस्सा है, कुछ शॉर्टिंग तो दिखा नहीं रहा है मुझे, तो जला तो क्यों जला इसका भी पता करेंगे। और अपना पीसीए डेड है, ये जो अपना जला हुआ हिस्सा है इस पर लिखा है IC-82। और IC-82 जो है 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, और ये है वीडियो पावर ऑन, एनालॉग वीडियो। एनालॉग वीडियो के लिए इस्तेमाल किया है इसको, तो एनालॉग वीडियो तो खैर वीडियो तो बाद में देखेंगे, पहले पीस ऑन होना चाहिए। पीस ऑन क्यों नहीं हो रहा है इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। कुछ चीज़ों पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। PH2 प्रोटेक्शन 132, PH2 प्रोटेक्शन 132, PH2 और प्रोटेक्शन 132 जो है PS3 में है, लेकिन PH2 के अंदर आता है अपना प्लस 5 वोल्ट VI। PH2 में आता है प्लस 5A, प्लस 3.3T, प्लस 5 VID, प्लस VP, प्लस माइनस 12 वोल्ट रिले। तो अपना जो ये IC जला है, ये जो आप जला हुआ देख रहे हो ये वही है IC-82, ये वही है जो यहाँ पर लिखा है प्लस VID 5 वोल्ट। तो पहले उसको ही ठीक करते हैं, फिर आगे देखते हैं। ज्ञान तो बहुत लोग बांटते हैं और मुझे सुनने में मजा आता है, लेकिन अगर उनमें से कोई ये भैया लेजेंड ऑफ इंडिया अमित त्रिवेदी, पर ध्यान से सुनना। एक बहुत ही सिंपल लॉजिक, चाहे आप सिंगर हो जी, चाहे आप कंपोजर हो, चाहे आप डायरेक्टर हो, चाहे आप प्रोड्यूसर हो, चाहे आप लेबल हो, जो भी हो, ये पूरी इंडस्ट्री जी, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री हो, सिर्फ एक ही चीज चलती है, नेपोटिज्म में भी नहीं चलती, पैसों में भी नहीं चलती, किसी भी चीज।
समय ना तो तुम अपनी ड्यूटी छोड़कर जा सकते हो ना ही इस हालत में मुझे अकेले छोड़। वर्किंग गुड हो गया है जी, और वर्किंग गुड होने के पीछे की कहानी जो है ये है कि जो ये आईसी है ये जो पोर्शन था ट्रैक पूरी तरीके से जला हुआ था, इसको हमने पूरा उखाड़ ही दिया है। उखाड़ इसलिए दिया है क्योंकि अगर मैं इसको रखता तो ये आज नहीं तो कल वापस से लीकेज होता था, कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट होता। इसके लिए जो है मैंने उतना दूर ट्रैक को ही उखाड़ दिया और मैंने इस रेगुलेटर का इस्तेमाल किया है। ओरिजिनल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जब तक सिस्टम ऑन ना हो तब तक 5 वोल्ट उधर नहीं जाना चाहिए, पर उसके लिए वो सेम टू सेम आईसी का मिलना थोड़ा मुश्किल है। दूसरे भी 4 पिन की आईसी लगा सकते हैं वहाँ पे, और उसके लिए मार्केट जाना आना और फिर इन जो हमारे प्रिय मित्र का है इनका जो है न्यू ईयर पार्टी भी करना है, तो मैंने उनसे कहा कि फ़िलहाल आप यूज़ कीजिए, कुछ दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। हम बात करते हैं इसकी IC82 की इस कहानी जो है कुछ इस तरह से है कि इसका आप जो ये स्क्वायर में है ये आईसी का पोर्शन है और बीच में जो है ना ये आप ब्लैक डॉट्स देख रहे हैं जो पूरे सर्कल पे है। ये आईसी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर किसी भी बंधु के पास, कृषि हमारे मित्र के पास अवेलेबल है तो कृपया मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि मुझे ये आईसी चाहिए। मैंने ढूंढा, मिला नहीं मुझे, और फिलहाल तो मैंने वो पीस जो है हमारे जो प्रिय मित्र हैं बहुत ही पुराने हैं, लगभग 25 साल से उनसे हमारी दोस्ती है। हमने उनसे मुलाकात की, उनको दे दी, उनको हर एक चीज़ समझा दिया। बाकी कुछ चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें जो इसमें है ध्यान देने योग्य बातें, उसकी हम चर्चा करें तो कुछ इम्पोर्टेंट सप्लाई जो कि कंपलसरी है आनी चाहिए। HDMI सेक्शन इसका जो है वर्किंग गुड था तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर में कुछ है, माइक्रो प्रोसेसर में ये चीज़ है, इसके कुछ सप्लाईज है, इस पर आप ध्यान दें। इन सब चीज़ों को आप नोट करके रखें, इन फ्यूचर कभी भी ये सब चीज़ें काम आती हैं। जिनके पास सर्विस मैनुअल है उनके लिए ठीक है, पर जिनके पास नहीं है उनके लिए ये सब चीज़ें अनिवार्य हैं जो ध्यान देने चाहिए। और भी कुछ चीज़ें हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जो भी मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ उसको आप देखते जाइए, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं।
इसके अंदर जो है इन्होंने तीन चीज़ें इस्तेमाल की है, वो तब इस्तेमाल होती है जब ये नो साउंड का इशू आता है। नो साउंड के इशू के लिए इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है। फ्रंट लेफ्ट राइट, आज तो ये सब, आजकल तो ये सब चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल है। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट सप्लाई हैं, जैसे कि ये DSPI 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 3.3, 1.2, 3.3। इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें।